आती जा रही है, हीरा बोल रही रह नहीं रही है, उल्टी कर रही है, जाने की हो रही है, दो तीन दिन में जाएगी। तो यहाँ आलू चले जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के, आलू चले गुटके बना रही है, गुटके बना रहे, आरती जा रही है करके आज। हाँ। उल्टी नहीं होगी करके आलू गुटके बना रहे। मत कर यार ये उल्टी नाम ही मत ले। लेकिन दुदू जिनन दुदू। सो गाइस कल रात से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। यहाँ पे विशाल चंद तो रेडी भी हो गए, तो अंदर से पहन के जा रहा है स्वेटर। सो गाइस यहाँ पे मेरे जाने के दुख में मौसी रोने लग गई है, मेरे दुख में नहीं रो रही है मौसी, इसके दुख में रो रही है, नन्नू के दुख में। तो यहाँ पे ना सो हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइस आर गुड। मैं भी बढ़िया नहीं हूँ, मुझे कल रात से वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन वॉमिटिंग दोनों चल रहे हैं मुझे, बट तब भी मैं जा रही हूँ। प्लीज साइड हो ना, यहाँ पे ही बदतमीज खाना खाया, सैम नहीं आ रही, इसकी भी बहन बीमार है, खा खा लंबा सफर है, खा लो। तो दोस्तों मैं तो नहीं खाऊंगी, फिर से भगवान जी की पूजा करते हुए विशाल चंद जी खाना खा रहे हैं, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई बहुत ज़्यादा। मम्मी तो कह रही थी आज मत जा, संडे को जाना करके, पीछे पड़ी जाती मौसी और मम्मी दोनों कह रहे थे, बट नहीं यार जाना तो है मुझे यार, क्योंकि मेरी कॉलेज में स्टार्ट हो गया, प्रैक्टिकल वगैरह भी चल रहे हैं। इस वजह से मुझे जाना है। तो यहाँ पे मौसी लोग धो रहे हैं बर्तन, मम्मी यहाँ पे बना रही है सुबह सुबह सब्जी, बनाई है मम्मी ने आलू के गुटके, साथ में बना रखी है पराठे, बट मैं कुछ खा सकती हूँ, आलू की स्मेल से ही दिक्कत हो रहा है, मेरी याद में जीरा की याद में रो रही है, बर्तन जीना यहाँ पे रेडी हो गई है, इसे तो पता ही नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हर जगह सेम सीन है इसका। बस अजीब सा, क्या दी रोटी है, रोटी खा तो खा ली, जीने भी खाई क्या। तो गाइस अभी रेडी वेडी हो गए, अब चलते हैं, गाड़ी भी आ गई है, वो देखो गाड़ी आ गई है, पापा सामान रख रहे हैं, और मैं लगाती हूँ अब टीका, रुक जाएगा वो, तो जल्दीबाजी मत करो। भगवान का भी आशीर्वाद ले लेते हैं एक बार, ये ले ले तो पैसे जा टिकले लो, जगह तो जगह तो पैसे। 5 बजे उठने के बाद भी ना सारा काम अच्छे से हो नहीं पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो मम्मी लोग का ध्यान मेरे ऊपर ही था बस। तो फिलहाल मेरे भाई ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, वो रेडी हो गया था और बैग वगैरह नीचे पहुंचाया था। मैं भी अब जो हमारी प्रोसेस हमारे कल्चर में जो डेली पूजा होता है मम्मी लोग के घर में, तो वो करी थी। एक्चुअली जिसको पता है उनके लिए ठीक है, जब जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। जब शादीशुदा लड़की अपने मायके आती है हमारे कल्चर में, तो जाते टाइम वो घर की जो दहलीज होती है उसको चावल से पूजा करती है उसकी, ताकि माँ बाप के घर में कभी अनाज की कमी ना हो। और भी इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मैं कभी आपको डिटेल से बताऊंगी। तो मम्मी से जल्दी से गले मिल लिया और मम्मी के साथ 2-4 फोटो खींच ली, बहुत ही बुरा लग रहा था गाइस सच में, मैंने शूट भी नहीं किया उसके बाद। फिर डायरेक्ट हम लोग चले गए थे, आधे रास्ते में हम लोग पहुँच गए थे, घाट तक पहुँच गए थे, और मेरी जो हालत थी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। देखो घाट का व्यू, मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, बस थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया आप लोग को दिखाने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे चलती, जहाँ पे मेरा भाई मेरे लिए नींबू लेके आया, अदरक लेके आया, थोड़ा सा नमक लेके आया, क्योंकि मुझे ना वॉमिट तो हुई नहीं बट फीलिंग बहुत ही गंदी थी वॉमिट वाली, जो कि इससे अच्छा वॉमिट हो जाती, ज़्यादा बेटर था। सो गाइस आज ना हमारे घर पे बन रहा है कुछ स्पेशल खाना, मतलब पहाड़ी स्पेशल पहाड़ी खाना बन रहा है। सो एनीवे मैं कल को पहुंच गई थी घर में और बहुत ज्यादा थक गई थी, तो कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बहुत ज्यादा है, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, फिलहाल तो अभी मेरी तबीयत बेटर है। एंड कल मैंने शूट नहीं किया मम्मी,
तो कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और आज सुबह भी मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। स्कूल में गई थी, आज स्कूल की क्लिप वगैरह ली है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। तो अभी फिलहाल आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल खाना। तो यहाँ पे मेरी प्याज, जो प्याज के पत्ते वाले प्याज के पत्ते होते हैं, उसकी सब्जी बना रही हूँ मैं मटर डाल के। ये देखो जो कि आपको दिखाया मैंने, एंड अश्विन, एंड साथ में बन रहा है, साथ ही बना रहे हैं हम लोग मड़वे की रोटी। तो मम्मी तो खुश हो गई। तो आज ना तो मम्मी का रिएक्शन आहा। तो यहाँ पे मैंने मड़वे का आटा मैंने गूंद के रख दिया है, जो कि अभी आज हम लोग बनाएंगे चूल्हे में। तो चूल्हे में तो भाभी बनाती है खाना, फिलहाल मैंने सब्जी बना दी, आटा गूंद दिया, भाभी चूल्हे में रोटी बना लेंगी। और गाइस ये जो मड़वे का आटा है वो मैं लाई हूँ अपने घर से, ये वाला आटा तो मौसी ने दे रखा है पीस के, ये मौसी का पिसा हुआ आटा है। अगर मौसी का नाम नहीं दूंगी ना तो मेरी मौसी क्या कहती है कि तूने मेरा नाम ही नहीं लिया, मैं तेरे को सामान देती तू मुझे बताती नहीं, तू मम्मी का नाम लेती है, ऐसा बोलती है। एक मिनट को सो गाइस मैं ना जब मम्मी लोग सामान पैक कर रही थी मुझे सच में पता नहीं था कि क्या क्या आया था, बट वैसे तो मैंने सामान खोल दिया है, मैंने देख लिया है, फिर मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए थे। सॉरी बच्चा बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा है। तो मम्मी ने इस बार बहुत सारा सामान दिया है, ये जो आप लोग को दिख रहा है थैला, इसे भर के सामान दिया था मम्मी, और मौसी ने ना दोनों सामान दे रखा है। तो एक का नाम ही बोलूंगी, दोनों का नाम लूंगी, फिर बस ये मौसी बोलेगी मेरा नाम तो लिया ही नहीं। सो आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या भेजा गया है। तो अश्विन कैमरा पास करना। वैसे मैं बताऊं मुझे पता नहीं कि अभी तक मुझे पता नहीं कि इसमें क्या क्या भेजा गया है, क्योंकि सामान ना मम्मी और भाभी ने खोला था, मैंने देखा भी नहीं है। बस मैं तो अभी मड़वे का आटा जब गूंद रही थी तब देखा कि सामान क्या है, तो मैंने सोचा कि चलो खोल के सामान देखती हूँ मम्मी ने क्या क्या भेजा है, साथ ही में ब्लॉग भी बन जाएगा क्यों। तो इसके अंदर तो सारे था, इसके अंदर गाइस है मक्का, ये देखो जी बीज है, बीज नहीं है, ये है मक्का जो कि मम्मी ने, क्योंकि हमारे घर में ना मक्की की रोटी, ठंड में मक्की की रोटी, मड़वे की रोटी बहुत बनती है। हम लोग ना मार्केट से भी खरीद के लेके आते हैं, हम लोग इवन मार्केट से भी खरीद के लेके आते हैं। तो मैं करके आप लोग को दिखाते रहूंगी। ये है मक्का जो कि ये वाला मौसी ने दिया शायद, और अमरेंद्र बाहुबली, और इसके अंदर भी मक्का है, इसके अंदर भी गाइस इसके अंदर भी मक्का है, क्या अब खोलने की जरूरत ही पड़ेगी क्योंकि मुझे हाथ से पता चल जा रहा है। ये वाला मक्का मम्मी ने खरीदा है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी मम्मी लोग का तो कोई खेती मतलब ऐसा कुछ खेत वेत का सीन तो है नहीं, बट मेरी मम्मी ने मेरी जो मेरी भाभी है मतलब मेरे बड़े पापा की बहू है, वो लोग हमारे खेत को खेत में ना राशन लगाते हैं, तो उन्हीं से हम लोग खरीदते हैं। तो ये शायद मम्मी ने घर से लिया होगा गाँव से, ये है, और इससे अच्छा हाँ इसपे है काले भट्ट, ये देखो इसपे है काले भट्ट, जो कि अब जिनको नहीं पता कि पहाड़ की फेवरेट दाल क्या होती है तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ की जो प्रसिद्ध दाल है वो है ये भट्टे की दाल। तो भट्टे की दाल भेजी गई है मम्मी के द्वारा। अब मुझे पता नहीं इसका मौसी का भी है नहीं है, बट मौसी और मौसी ने खा दिया था, मुझे अब पता नहीं इतना। तो ये है ये भट्ट लिए है मम्मी ने, ये भी मम्मी ने खरीदे हैं, ये तो मम्मी ने खरीदे हुए हैं भाभी से, गांव में भाभी से खरीदे हुए हैं। और ये देखो ये दिए है मौसी ने कद्दू, मेरी मौसी के दिए हुए कद्दू है, पहाड़ी कद्दू देखो। सो गाइस अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो कद्दू है ना ये पका हुआ कद्दू है, जो मतलब स्टोर करते हैं तो पीला हो जाता है वो कद्दू है। मैं भी इसको यही सोची थी कि ये वो वाला कद्दू है, बट ये वो वाला कद्दू नहीं है। कल ही मम्मी का फोन आया था शाम के टाइम कि कद्दू की सब्जी बना रहे तो खराब हो जाएंगे, मैंने क्यों खराब होंगे, तो कह रही थी कि ये सब्जी कद्दू है ना ये भाभी, ये सब्जी वाली कद्दू है, इनका कलर ही ऐसा होता है। मैं कह रही हूँ कि यार नहीं यार ये तो पका मतलब जो बॉइल करके मीठे कद्दू होते हैं वो वाले कद्दू होंगे, बट ये वो कद्दू नहीं है, ये सब्जी में जो यूज करते हैं ना जैसे ग्रीन कद्दू आप लोगों ने मार्केट में देखे हैं नॉर्मली, तो वैसे ही हमारे पहाड़ में ये पीले कलर के कद्दू होते हैं। तो ये मौसी लोगों की भाभी कद्दू है, सब्जी बनाई जाएगी इसमें, भूत की सब्जी बन जाएगी। हाँ पहले की आपने नहीं खाई थी, नहीं एक भी नहीं आया था, मुझे पता नहीं था कि चूक का इतना मुझे याद नहीं था, तो मैं अपने गांव से भी चूक मंगाती क्योंकि हमारे गांव में बहुत चूक होते हैं, चूक गलाते के खाते हैं। चूक ना ठंड के टाइम में चूक गलाओ तो बहुत अच्छे होते हैं। कोई नहीं अभी मेरी बहन आने वाली है मौसी और मौसी की लड़की, तो उनसे मंगाऊंगी मैं चूक।
चल परसा यहाँ वाले वहाँ शादी में तो आने वाले शादी में तुम जाएगी वहाँ तुमको भी बुलाएंगी फिर तो ये चूक मौसी ने भेजे हुए हैं और साथ ही में अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वाला ब्लॉग देखा है 2-3 दिन पहले का ब्लॉग तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी टमाटर होते हैं दादी पा जाओ तो भाई टमाटर होते हैं तो ये है वो देखो अश्विन जी पास तो ये देखो गाइस ये है पहाड़ी टमाटर ये टमाटर ना मेरी बुआ जब खराब हो जाएंगे आजकल बना लेंगे टमाटर है क्या है तो फ्रिज के अंदर भी रखे नहीं है तुम लोगों ने टमाटर है क्या है चटनी बनती है इसकी बहुत चटनी बनती है बनाना ना फिर कल भात के साथ बनाना मैं तो घर पे नहीं आती वैसे दिक्कत रहती है कल आ रही थी देखो तो बना के जाना तो दोस्तों ये है वो टमाटर जो पहाड़ में होते हैं इसकी चटनी बनती है बहुत टेस्टी होती है मुझे इसका एग्जैक्ट नाम अभी तक नहीं पता है मैं मम्मी से पूछूंगी ये जो टमाटर है ना मेरी बुआ जब भाई दूज में आई थी तो वहां से लाई थी पहले मेरी बुआ जब छोटे थे बहुत लेके आती थी मेरी मम्मी चटनी में आती थी इसको गैस पे थोड़ा सा फ्राई करके पीस के सिलपट्टे में एकदम पहाड़ी स्टाइल में बहुत टेस्टी होती है चाची आप स्कूटी चला रहे हो क्या खाया प्लीज कमेंट करना चाची आप स्कूटी चला रहे हो क्या यार खराब हो रहा इसमें शाम के प्लीज खराब वाले फेंको चाची आप स्कूटी चला रहे थे नींबू हट पहले ये खा के देखो तो देखो रिएक्शन राजीव वो एक मम्मी को भी खिला ये जो अचार है ना ये मम्मी ने दे रखा है मम्मी ने इस बार अचार किया था अचार बनवाया था तो मम्मी के पास बहुत सारे डब्बे थे मैंने 2-3 डब्बे थे बहुत दिया तो मम्मी से मैंने कहा कि चलिए एक डब्बा मुझे दे दे तो अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं किया है और ये मैं इतना लाई थी मेरे बच्चों ने खा के इतना कर दिया है तो मैं खाऊंगी जो कैमरा मैन है ना वही ज्यादा खा रहा है इसको एंड साथ ही मम्मी ने दिया था मुझे मिर्ची का अचार ये देखो रेड वाला मिर्ची का अचार दिया था खरीद ये भी खा दी खत्म होने वाला है मेरे खरीदा वाला था ये तो मम्मी ने बनाया था इतना पता है ये पता नहीं तो ये वाला अचार ना मैं खाऊंगी बाद में और ये दे रखा है मम्मी ने आटा नहीं ये जो है ना चट्टे के अंदर अब मैं खोल के तो क्या ही दिखाऊं आप लोगों को चावल चुप रह तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है इसके अंदर है बड़वा बड़वा जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया आटा होता है बेटा ये गंदा है बस फेंको गंदा है तो भाई ये जो है ना ये बड़वा है जो कि मैंने आप लोगों को बताया हमारे वहाँ पहाड़ में मक्की की रोटी बहुत ज्यादा खाई जाए मड़वे की हो गई मड़वे की सबसे ज्यादा हमारे वहाँ की सबसे फेमस जो रोटी है ना वो है मड़वे की रोटी तो मड़वे का आटा मैं लेके आई हूँ क्योंकि हमारे घर में बहुत खाते हैं यार मेरे ससुराल में ना मड़वे की रोटी बहुत खाते हैं ठंडी के टाइम में तो आज भी हमने मड़वे का आटा गूंदा हुआ है ये कोई टाइम है खाने का हाँ फोन दे तेज फोन दे भाभी मम्मा फोन ले आओ चलो मम्मा को फोन क्यों मम्मा मांग दी देखियो तो गाइस ये वाला जो आटा है ना ये फला हुआ नहीं है मतलब हाँ बात दे दे बात कर दिए आठ की चार लगा है हाँ निकल का क्यों चार हाँ ठीक है भी दे जाओ देखियो सो गाइस ये जो वाला आटा है ना ये अभी फला हुआ नहीं है ये दाना सही भी है तो इसको फला नहीं हुआ है बट वो जो मैंने अभी गूंद रखा है वो तो मौसी ने थोड़ा सा आटा दिया था तो उसको मैंने गूंद के रख दिया अब इसको हमें चक्की में जाके बनाना पड़ेगा तो बस तो दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिर से खा रहे हैं चूल्हे में खाना यहाँ पे मेरी जेठानी बना रही है चूल्हे में रोटी और आज पता है ये जो ये मड़वे का आटे का सीन है इतना बुरा होना हमारे साथ क्या बाबा भी बताओ एक रोटी बन नहीं रही थी फट जा रही थी काफी टाइम बाद बहुत टाइम बाद मैंने मतलब आज मड़वे का आटा गूंद रखा था तो मेरे से गूंदा भी नहीं मुझे याद भी नहीं था कि इसमें आटा मिक्स करते हैं नहीं करते हैं वैसे तो बिना आटा मिक्स करे भी रोटी अच्छी बनती है बट शायद मैंने उसको अच्छे से ओला नहीं था मतलब गूंदा नहीं था इस वजह से शायद ये हार्ड हो गया पता नहीं क्या हो गया ये मतलब बिल्कुल बन नहीं रही थी स्टार्टिंग में इतनी गंदी हो गई थी मैं उस टाइम सोची थी वीडियो की क्लिप लूंगी करके बट मेरे फोन में बिल्कुल चार्ज था ऐसा सीन हुआ था इसलिए क्लिप नहीं ले पाई फिर उसके बाद मेरी भाभी ने उनको अच्छी से एकदम पानी वानी डाल के गूंदा तब जाके ये इतनी हॉस्किट बन की रोटी बनी हुई है तो ये देखो मड़वे की रोटी तो स्वास्थ्य की मम्मी कहती थी ना मड़वे की रोटी कैसे खाते हो आप लोग तो देखो दीदी हम ऐसे खाते हैं मड़वे की रोटी ये है मड़वे की रोटी ये लगा है ये जाएगी मेरी इस प्लेट में देन ये दिख रहा है आपको घी इतना घी खाते हैं हम लोग इससे भी ज़्यादा घी खाते हैं ये घी लगेगा इसके ऊपर एकदम घी से नहलाऊंगी मैं इस मड़वे की रोटी को और ये है सब्जी जो कि मट्ठे वाली है
तो हमारा पहाड़ी खाना जो कि जिस मेरी फ्रेंड थी ना जो हाँ जबलपुर में रहती थी स्वास्थ्य की मम्मी दीदी, तो वो ना हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम्हारा ट्रेडिशनल फूड क्या है। सो ये है हमारा ट्रेडिशनल फूड, मक्के की रोटी, घी और ये क्या मड़वे की रोटी यार सॉरी गाइस, मड़वे की रोटी, मक्के की बोली हूँ, मड़वे की रोटी, मड़वा यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रागी और हमारी लैंग्वेज में कहते हैं मड़वा, और लोग कोई मंडवा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे इसमें मड़वा कहते हैं। तो ये है मड़वे की रोटी प्लस घी और साथ में गुड़ भी खाते हैं, बट अभी ना गुड़ मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे खा रही हूँ, और साथ ही में है मट्ठे की रोटी, तो गुड़ ऐसा लगाओ उस पर, गुड़ भी होता तो मज़ा आता क्यों अभी, और साथ में गुड़ है तो वो गंदा वाला ना, वाह 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 भाई, मतलब क्या कहे हमारे पहाड़ी का खाना ना, बता नहीं सकती मैं आपको, पहाड़ों खाने से बस इसमें गुड़ की कमी हो गई, अगर गुड़ होता तो मतलब चार चार लग जाते स्वाद, तो जो एक रोटी खाएगा दो रोटी खाएगा और तीन चार रोटी खा लेगा ऐसा है। हाँ साथ ही में यहाँ पे रोटी बन के हो चुकी है खत्म, रेडी मतलब पूरी रोटी बना दी है, हॉस्केट फुल हो चुका है और हम अपने खाने को करते हैं एंजॉय, मम्मी का मौसी के आटे को कर रहे हैं एंजॉय, मम्मी का तो वही नहीं है, मम्मी का तो अभी फलना है, मम्मी जो आटा भेजा था फलना है, मम्मी फलेगी थी। हाँ तो इसी के साथ कहती हूँ मैं अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, गुड नाइट।